हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, वन साइड एंड करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द अदर अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और समझने के लिए जरूरी भी है क्वेश्चन। बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता होगा, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, चिंता मत करो। पूरा वीडियो देखो स्टार्टिंग से एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो है हमारा, उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ समझ लो, आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तुम बोलो सर ये रोम्बस दिया हुआ है, पैरेलोग्राम दिया हुआ है, आपकी ये रेक्टेंगल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। तो समझो इस चीज़ को, पैरेलोग्राम गिवन है आपके क्वेश्चन में, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो सिर्फ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है बच्चों ये लेंथ है, एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ, ये हमारा ब्रेथ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, नेक्स्ट देखो। तो अगर मैं बोलूँ एरिया निकालने के लिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेंथ। तो यहाँ पर जो लेंथ, अच्छा मैं बोलूँ कि यहाँ पर एल इंटू बी तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एल इंटू बी। तो मुझे नेमिंग के थ्रू बताओ लेंथ इंटू ब्रेंथ कौन सा आप लिखोगे। तो कोई बच्चा बोलेगा सर हम लिखेंगे ए बी इंटू बी सी। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ए बी इंटू बी सी लिखिए, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी क्या है लेंथ है, और बी सी क्या है हमारा इधर ब्रेथ है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ए बी इंटू बी सी नहीं लिखेंगे, ए बी इंटू बी सी तो होगा सर, मैं और एक नेमिंग देना चाहता हूँ, क्या दोगे। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं लिखता हूँ डी सी इंटू ए डी। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसा लिखूंगा, तभी भी ठीक होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इससे भी आपका एरिया निकलेगा। जो पहला वाला जो बच्चा बोला कि सर ए बी इंटू बी सी कीजिए, तो ये भी एरिया निकलेगा। दूसरा बच्चा जो बोला वो भी करेक्ट है, इसका इसको भी मल्टीप्लाई करने से एरिया निकलेगा, क्योंकि डी सी क्या है हमारा, डी सी हमारा लेंथ है और जो ए डी है हमारा ब्रेथ है, तभी भी एरिया निकलेगा। कहने का मतलब ये दोनों नेमिंग को यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा ए बी इंटू बी सी लिखेगा, कोई बच्चा डी सी इंटू ए डी लिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा ऐसा लिखेगा। तो इस चीज़ को समझ लिए। अच्छा, अब हम आते हैं रॉम्बस पे। अब हम आते हैं यहाँ पर एक पैरेलोग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उसको समझते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक पैरेलोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पैरेलोग्राम ड्रॉ किया और अच्छी तरह कर देते हैं इसको, थोड़ा ये हो गया, और अच्छी तरह कर देते हैं इसको ताकि आप क्लियरली दिखे पैरेलोग्राम। तो रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। आप देखो एक अच्छा वाला पैरेलोग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखो। चलो देखो कितना सुंदर पैरेलोग्राम हो गया। यहाँ नेमिंग लेंगे ए बी, यहाँ पर लिखो सी, यहाँ पर लिखो डी। तो ये जो पैरेलोग्राम है हमें पता है ऑपोजिट साइड इक्वल होता है इसका, तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया। अच्छा यहाँ पर हाइट होगा, हमें पता है यहाँ पर हाइट होगा, इसका आप नेमिंग ले लो क्या ई ले लो, ए ई हमारा हाइट है। तो अगर इस पैरेलोग्राम का अगर एरिया बताओ, अगर एरिया पूछूं मैं आपसे कि बताओ बच्चों इस पैरेलोग्राम का एरिया क्या होगा, तो आप सब बोलोगे सर बेस इंटू हाइट कीजिए ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बेस इंटू हाइट। चलो बताओ बेस कितना हो, बेस का नेमिंग यहाँ पर क्या होगा, डी सी, डी सी हमारा बेस है। हाइट अगर मैं पूछूं आप बोलोगे सर ए ई लिख दो, क्योंकि ए ई हमारा हाइट है। अच्छा ये जो हमने यहाँ पर किया डी सी इंटू ए किया, तो क्या निकला, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम निकला, कौन सा पैरेलोग्राम, ये ए बी सी डी। जब मैं डी सी इंटू ए करता हूँ तो क्या निकलता है, एरिया निकलता है, किसका एरिया निकलता है, पैरेलोग्राम का, कौन सा पैरेलोग्राम का, ना ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी नेमिंग का हमारा पैरेलोग्राम है। देखो ना ए बी सी डी नेमिंग का हमारा पैरेलोग्राम है। तो जब हम डी सी इंटू ए करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये जो हमारा पैरेलोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम जो है हमारा ए बी सी डी, उसका हमें एरिया मिलता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डी सी इंटू ए। अच्छा तो यही सेम पैरेलोग्राम, मैं कुछ अलग पैरेलोग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला यहाँ पर, सेम पैरेलोग्राम ए बी सी डी। क्या कोई अदर मेथड है जिसके द्वारा हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ए बी सी डी का, एरिया पैरेलोग्राम निकाल सकते हैं हम, ऐसा कोई मेथड है, जैसे रेक्टेंगल में और एक नेमिंग था, पहला मेथड में क्या ए बी इंटू बी सी करो तभी एरिया निकलेगा, रेक्टेंगल केस में बात कर रहा हूँ, ए बी इंटू बी सी करो तभी एरिया निकलेगा, डी सी इंटू ए डी करो तभी भी एरिया निकलेगा, सेम एरिया नहीं, ऐसा नहीं कि अलग कुछ एरिया निकलेगा, अब जो भी करो सेम निकलेगा। आप इसका आप यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट ले लेते, नहीं यहाँ पर आप ले लो फाइव, ये भी लेंथ आपका हो गया फाइव, यहाँ पर ब्रेथ ले लो दो और यहाँ पर ले लो दो,
ब्रेथ इक्वल होता है ना दोनों तरफ, ये पांच पांच ये दो दो। जब ए बी इंटू बी सी करोगे तो यहां पर भी लिखोगे तुम 5 × 2 लिखोगे तभी आपका निकलेगा 10 निकलेगा। यहाँ पर जो भी होगा यहाँ सेंटीमीटर ले लो, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पर सेंटीमीटर ले लो, कोई टू क्यों लिखते हैं, सेंटीमीटर हम लिख देते हैं यहाँ पर। कहने का मतलब इसको भी करोगे तभी भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकलेगा, और डी सी इंटू ए डी करोगे डी सी इंटू ए डी तभी भी बचोगे क्या, डी सी कितना 5 है, वही देखो डी सी इंटू ए डी करोगे तभी भी आपका एरिया कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर ही एरिया निकलेगा। एरिया का वैल्यू कुछ फर्क पड़ा क्या, एरिया के वैल्यू में कुछ चेंजेस आपको नजर आया, कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आया इन केस ऑफ रेक्टेंगल। ये मैं रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा था, इसको मैं यहाँ पर एक लाइन देता हूँ, ठीक है समझ में आ रहा है सबको। आप ए बी इंटू बी सी करो या फिर डी सी इंटू ए डी करो, दोनों का वैल्यू सेम ही निकलेगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना ए बी सी डी का, रेक्टेंगल का। अब तो रेक्टेंगल को छोड़ो, पैरेलोग्राम पे आ जाओ, तो पैरेलोग्राम का डी सी इंटू ए करोगे तभी भी एरिया पैरेलोग्राम निकलेगा, जो भी वैल्यू निकले, बट कहने का मतलब समझो वैल्यू तो निकलेगा उसका, अच्छा वही सेम एरिया वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पर और एक सवाल आता है, अगर मैं यहाँ से एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर दे दूँ, ऐसे ऐसे एक लाइन यहाँ पर दे दूँ, इसका मेजरमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसका मेजरमेंट नहीं, इसका नेम ही लिखता हूँ ए बी सी डी या एफ ले लो। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने एज ए बेस किसको कंसिडर किया है, मैंने एज ए बेस कंसिडर किया है किसको, बी सी को मैंने किया है बेस। तो बी सी को जब मैंने बेस कंसिडर किया तो मेरा हाइट क्या है, एफ है। अब मेरा बेस है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब मेरा बेस यहाँ पर क्या है, बी सी है, और जो मेरा हाइट है, मेरा हाइट यहाँ पर भी पढ़ लगा, उनका हाइट क्या है बच्चों, ए एफ है। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो, किसको बी सी को मल्टीप्लाई करो ए एफ के साथ, तो क्या बच्चों तभी भी एरिया पैरेललोग्राम निकलेगा, यस निकलेगा, क्योंकि ए बेस इंटू हाइट है, तभी भी एरिया पैरेललोग्राम निकला। कौन सा पैरेललोग्राम, वही ए बी सी डी का, वही ए बी सी डी पैरेललोग्राम का ही एरिया निकलेगा। समझने की कोशिश करो इस कॉन्सेप्ट को। हम चाहे डी सी इंटू ए करें तभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी निकलेगा, हम डी सी इंटू ए करने से भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल रहा है। अगर हम बी सी इंटू ए एफ करें तभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का ही निकलेगा, दोनों केस में दोनों का एरिया का वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ पर चाहे तो बेस का वैल्यू यहाँ पर अलग हो सकता है हाइट का, देखो पहले केस में, देखो इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ, डी सी और ई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डी सी और ई जो है, ध्यान समझना चीज़ को, डी सी और ई जो है इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर रेक्टेंगल केस में क्या हो रहा था, दोनों का लेंथ का वैल्यू 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और 2 ही हो रहा था। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम कि यहाँ पर डी सी का मेजरमेंट, यहाँ पर बेस का मेजरमेंट, डी सी का मेजरमेंट जो जो होगा, तो नीचे वाला जो और एक जो बेस था हमारा, जो और एक ये वाला जो बेस है उसका मेजरमेंट सेम हो, अलग हो सकता है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो डी सी का, देखो कहने का मतलब समझो, यहाँ पर पहला केस में क्या हमारा बेस क्या था, डी सी था, दूसरा केस में हमारा बेस क्या है, बी सी है। तो क्या डी सी और बी सी का मेजरमेंट सेम हो सकता है क्या, नहीं। देखो यार डी सी कितना लंबा है, यहाँ पर बेस डी सी जो है हमारा कितना लंबा है, और यहाँ पर जो बेस है हमारा बी सी, वो देखो कितना छोटा है। तो यहाँ पर मेजरमेंट में डिफरेंस हो सकता है बट एरिया में डिफरेंट नहीं होगा, कहने का मतलब एरिया का वैल्यू में डिफरेंट नहीं होगा, बेस या हाइट डिफरेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो बेस हाइट है, ध्यान समझना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत बच्चे इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, तो अभी जो ध्यान से समझाऊंगा समझना। यहाँ पर जो बेस एंड हाइट है, ध्यान समझना, डी सी और ए, इसके नंबरिंग में चेंजिंग हो सकता है। डी सी और ए, इसका डी सी और ए का जो मेजरमेंट है, यहाँ पर ये भी तो ये बेस है ये हाइट है, तो यहाँ पर डी सी और ए के, यहाँ का जो डी सी और ए का जो मेजरमेंट होगा, जरूरी नहीं है कि बी सी और ए एफ का मेजरमेंट भी सेम हो, बी सी का और ए एफ का यहाँ पर मेजरमेंट अलग हो सकता है। तुम बोलोगे सर यहाँ पर ये भी तो बेस एंड हाइट है, ये भी नीचे यहाँ पर भी बेस एंड हाइट है, यहाँ पर भी बेस एंड हाइट मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों यस दोनों बेस एंड हाइट ही है, वही पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। बट कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला जो केस है हमारा डी सी और ए, जो बेस और हाइट पहले का है, मतलब किसका, इसका, जरूरी नहीं है कि बी सी और एफ का भी मेजरमेंट क्या हो, सेम ही हो, वो अलग भी हो सकता है। बट एक कंडीशन याद रखो, बट क्या, बट इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये चीज ध्यान में रखो, दोनों का बेस और हाइट का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का एरिया सेम हो सकता है, सेम हो सकता है नहीं, सेम होगा ही होगा, क्योंकि दोनों, वो ए बी सी डी का ही एरिया निकल रहा है ना पैरेललोग्राम का, तो दोनों केस में एरिया इक्वल होगा। कोई केस में मान लो एरिया कोई जैसे 18 हो गया, सब मान लो 18 हो गया आपका एरिया, तो 18 चाहे तो 6 × 3 भी 18 हो सकता है, चाहे तो 9 × 2 भी 18 हो सकता है, तो ये बेस और ये हाइट भी हो सकता है, दूसरा केस में ये बेस और ये हाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेस एंड हाइट में आपको डिफरेंट नजर आ रहा है,
बट वैल्यू में क्या डिफरेंट नजर आ रहा है आपको क्या? दोनों का पेंटू करो 18 ही निकलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर बेस ऑन हाइट में चेंजेस आ सकते हैं बट एरिया में चेंजेस नहीं आएगा, समझ में? जैसे 18 है 18 है, मैं अलग एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। 18 है, 18 को मैं चाहूँ तो 6 × 3 भी लिख सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो 9 × 2 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात, कोई बात नहीं, बट दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा ना। तो ये आप मान लो ये पहला बेस इंटू हाइट है या दूसरा बेस इंटू हाइट है, तो अलग अलग हो सकता है बट एरिया में डिफरेंट नहीं आएगा, एरिया सेम रहेगा, 18 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना जरूरी था इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट बनाया, ये पार्ट वन है, पार्ट टू में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? मुझे कॉन्सेप्ट को समझाना यहाँ पर जरूरी था इसलिए मैंने टाइम लेके कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट जिसको हम सॉल्विंग करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा पार्ट होगा जिसमें मैं सॉल्विंग करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 को, उसको याद करके उसको देखना जरूर, ठीक है? ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।